अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और आज हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो है वो बायोलॉजी क्लास 9 पढ़ रहे हैं। उसका हमने न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्ट। तो हम जो है वो आज ट्रांसपोर्ट शुरू करने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम इस बात को जानते हैं, अब तकरीबन हम लोगों ने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, बायोलॉजी से हम अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं कि हमारी जो लाइफ है वो एक कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी एक पेचीदा जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्शंस होते हैं और मेटाबॉलिज्म को चलाने, इस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसको चलाने के लिए जो है वो हर सेल को एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है। यानी एवरी सेल को कुछ चीज़ों को इनटेक करना पड़ता है और इसी तरह से कुछ चीज़ों को डिस्पोज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है अपनी अपने सेल के अंदर से। तो ये वाला जो सारा काम है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर तो बहुत आसान है। यूनिसेलुलर और इसके अलावा जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर, क्योंकि उनके जो हैं तकरीबन सारे सेल जो हैं, यूनिसेलुलर की पहले बात करें तो उसका एरिया बहुत छोटा है और सिंगल सेल है ये और उसका इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। वो डायरेक्ट अपनी चीज़ों को ले भी लेता है और वहाँ से निकाल भी देता है इन्वायरमेंट में। और सिंपल मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये भी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, हर सेल का दूसरे सेल के साथ जो वो है कनेक्शन है और फासला है वो बहुत थोड़ा है और ये भी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ हमारे पास जो आती है वो है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हायर ऑर्गेनिजम्स में जहाँ पे एक जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं और हर सेल का एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, बहुत डीप अंदर वो जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे उन सब को, उन सारे सेल्स को जो है वो उसकी ज़रूरत है खुराक की, एनर्जी की, सारी अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को करवाने के लिए। और इस तरह से जब वो डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वहाँ सबको इकट्ठा करके बाहर भी निकालना होता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो मौजूद होना चाहिए, जो कि है भी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऐसी बॉडीज़ के अंदर। उस सिस्टम को हम जो है वो ट्रांसपोर्ट कहते हैं और उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ये सारा के सारा प्रोसेस कैसे होता है। अब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो जो ट्रांसपोर्ट है वो किन किन चीज़ों का होता है और किस तरह से जो है वो होता है। तो ट्रांसपोर्ट की बात करें इसके अंदर तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है दैट इज़ अ वाटर, जिसको ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को प्लांट को बहुत ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत उसको सिर्फ फोटोसिंथेसिस में ही नहीं है, मतलब नॉट ओनली फॉर फोटोसिंथेसिस, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि इसकी जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उन सब के लिए भी वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है प्लांट के अंदर। लैंड के जो प्लांट्स होते हैं, जो ज़मीन पे रहने वाले प्लांट्स हैं, वो इन मिनरल्स को सॉइल के ज़रिए हासिल करते हैं और सॉइल के ज़रिए हासिल करके फिर जो इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, यानी वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, ज़ाइलम एंड फ्लोएम। ज़ाइलम जो है ये क्या काम करते हैं, ज़ाइलम चूँकि ये पानी लेते हैं अपना सॉइल से ये अब्सॉर्ब करते हैं उसको, देन ये ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब की शक्ल में ज़ाइलम मौजूद होते हैं, ये कंडक्ट करता है वाटर को अपवर्ड ऊपर की जानेब और पूरे पत्ते में, पत्ते तक, पूरे स्टेम वाले पोर्शन में सारे जो है ये पानी को पहुंचा देता है। इसी तरह से जो खाना बनता है वो बनता है लीव्स में, लीव्स को जो है वो फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट की। तो बिल्कुल इसी तरह से फ्लोएम सेल्स मौजूद होते हैं और वो फ्लोएम क्या करते हैं, वो ऊपर से सारा खाना डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी बॉडी में प्लांट की जो है वो पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है और ये सारे का सारा काम वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये वाटर को अपवर्ड लेके आते हैं तो उसके साथ सिर्फ वाटर नहीं आता बल्कि उसके साथ बहुत ज़्यादा साल्ट्स एंड द मिनरल्स जो के
ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं वो भी इसके साथ जो है वो कंडक्ट होते हैं। इसी तरह से जब ये ग्लूकोज को जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में लीव्स में बनती है उसको भी इसी तरह से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लेके आते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं लाते बल्कि उसके अंदर पानी मिला हुआ होता है और वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि वाटर का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन द लाइफ ऑफ द प्लांट इन द प्लांट बॉडी। इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर आयन अपटेक ये करता कैसे है प्लांट। वाटर के साथ ही जो उसके अंदर सॉल्ट्स एंड अदर मिनरल्स एंड आयन्स अब्जॉर्ब होते हैं उसके अंदर डिजोल्व होते हैं ये उनको ऊपर किस तरह से पहुंचाता है। तो इसके लिए इसके पास जो ऑर्गन मौजूद है दैट इज द रूट्स। इसके लिए जो हमारे पास वाटर आयन के अपटेक के लिए जो ऑर्गन मौजूद है दैट इज द रूट्स, वो रूट्स हैं। रूट्स का काम सिर्फ एंकर करना नहीं होता, मतलब नॉट ओनली एंकर, यानी कि सिर्फ प्लांट को अपनी जगह पे खड़ा रखना, सिर्फ इसका ये काम नहीं है बल्कि इसके और भी काम है। सबसे पहला काम क्या है कि ये एब्जॉर्ब करता है, पहला काम इसका है कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और साथ में उसके साल्ट्स, तो इनको ऊपर कैरी करके लेके आता है। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि ये कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम, उसको जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करवाता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द ट्यूब्स। तो ये दो काम और भी हैं रूट्स के, इसके साथ साथ कि वो उसको जो है वो करे। अब कंडक्टिंग टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होते हैं, मतलब एक रूट है फॉर एग्जांपल दिस वन, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाती जाती है बारीक होती जाती है नीचे से इस तरह से, और ये इसके अंदर से जो है वो रूट हेयर्स वो निकलते हैं। तो ये पूरी की पूरी इसके, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि इस तरह से इसको मैं काटूं और इसका मैं सामने से हिस्सा हम सामने लेके आए तो दरमियान में इसके जो है यहाँ पे जाइलम का जो है वो घेरा और फ्लोएम का कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं वो इसके मिड में यहाँ पे मौजूद जो है वो होते हैं। दरमियान में जो है इसके फ्लोएम होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वो जाइलम के सेल्स होते हैं, और यहाँ पे यानी कि जो दरमियान वाला घेरा है फ्लोएम का, फिर उसके बाद वाला जो घेरा है ये फ्लोएम का, फिर उसके बाद जाइलम आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो आगे इसके जाइलम के फौरन बाद जो है एक सेल्स की पतली सी लेयर होती है यहाँ पे इधर, उसको जो है वो हम बोलते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद जो है एक सिंगल लेयर आती है मजीद सेल्स की, उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। यहाँ पे यानी कि दरमियान में इसके यहां पे हुए कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज के बाहर पेरिसाइकल की एक सेल की लेयर होती है पेरिसाइकल, उन पेरिसाइकल के बिल्कुल बाहर जो है वो एंडोडर्मिस की एक लेयर होती है जिसने पेरिसाइकल को स्ट्रॉन्ग किया होता है। एंडोडर्मिस के फौरन बाद एक चौड़ा सा जोन है यानी ब्रॉड जोन है, यहां से लेके यहां तक ये सारा पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स में आता है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जहां पे कॉर्टेक्स खत्म होती है वहां पे आ जाती है एपिडर्मिस। तो ये रूट्स के जो है हमारे पास पार्ट है। सबसे दरमियान में जो है नालियां हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं, ये पूरी इसकी जितनी इसकी लेंथ है ये थोरली यहां तक जो है सारा एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के बाद एंडोडर्मिस की एक बारीक सी तह है, उसके बाद जो है सारा जो सेल्स का पूरा पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड तक, और फिर लास्ट पे जाके उसकी जो तह है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। अब यहाँ पे जो ये जो बाहर वाली इसकी तह है ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर ये वाले ये रूट हेयर्स निकलते हैं, यानी इसके बाहर ही आपके लिए यहाँ पे ये रूट हेयर्स हैं। और ये रूट हेयर्स असल में क्या है कि ये एपिडर्मिस की ही एक्सटेंशंस हैं, मतलब ये अलग से नहीं अटैच हुई, यहां से आप कह लें इस तरह से, यानी कि ये उसकी एक्सटेंशंस हैं, उसी वाला उसी का हिस्सा अंदर से खुला हुआ है इस तरह से, यानी इसका कॉन्टेक्ट है अंदर वाले पोर्शन के साथ वो जो भी। अब रूट हेयर्स का काम क्या है, रूट हेयर्स का फंक्शन होता है कि ये ना
जगह बढ़ा देता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, यानी यहाँ तक जहाँ तक ये रूट पहुँचे, उसके बाद जिन हिस्सों में रूट नहीं जा सकती वहाँ पे रूट हेयर्स जाते हैं, डीप अंडरग्राउंड जाके वो सॉइल में से वाटर को मजीद अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से अब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ से वाटर ऐड हो जाता है एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में यानी कि ये इस तरह से सेल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फिर इनके दरमियान में वाटर चैनल होता है, फिर दरमियान में सुराख होता है, तो ये इन सुराखों के जरिए आगे वाटर चैनल यहाँ से एक चलता है, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरे से देख लेते हैं ये, तो इस तरह से ये पानी अंदर जाता है, यहाँ से ये पानी पहुँचेगा एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल के बाद ये पहुँचेगा जाइलम में, और जाइलम इसको यहाँ से ट्यूब के फॉर्म एक्सटेंड करके थ्रू आउट प्लांट की बॉडी में जो है वो उसको पहुँचा देगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये सारा काम होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन जो रूट हेयर से रूट्स में होती है, ये किस प्रोसेस के जरिए होती है? थ्रू द ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए होती है। ऑस्मोसिस क्या था? द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ जो वाटर की मूवमेंट होती है, तो ये उस मूवमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस के लिए बाउंड्री का होना जरूरी था, तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो रूट हेयर्स की जो वॉल है वो उसके लिए बाउंड्री का काम करती है, और इस तरह से ये आगे जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, फिर थ्रू द प्लाज्मा डेस्मेटा, यानी कि जो सेल वॉल के ऊपर छोटे छोटे से सुराख हैं हर सेल के, वो उन सुराखों के जरिए एक वाटर चैनल क्रिएट हो जाएगा, और वो एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे करके ये जाइलम तक पहुंचा देंगे वाटर को, और जाइलम से फिर आगे जो है उसको उसके एरियल पार्ट्स में जो है वो पहुंचा जो है वो दिया जाएगा। कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में मैंने डिटेल जो है वो नहीं बयान की, लेकिन इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 4 था वहाँ पे भी हमने डिटेल में देखा था इसके बारे में थोड़ा सा, कि जाइलम और फ्लोएम को हम वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, हम इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन होता है कंडक्ट करना, लेके जाना। जाइलम का काम होता है कि ये वाटर को कंडक्ट करता है, और फ्लोएम का काम होता है कि ये फूड को कंडक्ट करता है। ये ट्रेकाइड्स और ट्यूब्स होते हैं इसके, जिन सेल से ये टिश्यूज जिन सेल से मिलके बने हुए हैं, इसी तरह से ये सीव ट्यूब्स होती हैं एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं जिन्होंने मिलके फ्लोएम को बनाया होता है, और इस तरह से ये इसके कंडक्शन का जो है वो काम परफॉर्म करते हैं। तो इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, हायर प्लांट्स, जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं विद द बैक्टीरिया, विद द फंजाई, और वो उनके लिए क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, और ये उनको बदले में प्रोटेक्शन वगैरह दे देती है। उन प्लांट्स की भी जो ग्रोथ है वो बाकी प्लांट्स हैं जिनके अंदर वो सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप नहीं बना होता, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ को शो करते हैं। अच्छा, ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर और आयन अपटेक के बारे में पढ़ा। तो थोड़ा सा इसका मैं दोबारा से इसकी समरी बयान कर लेते हैं। हम क्या देख रहे थे इस टॉपिक के अंदर, कि वाटर जो है वो बेसिक सब्सटेंस है प्लांट्स के लिए जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है। ये वाटर जो है ये सिर्फ उसको फोटोसिंथेसिस के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके अंदर अदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी करवाता है, उसको भी ट्रांसफ़र करवाता है, उसके लिए भी ज़रूरी है, वो रिएक्शंस होने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। वाटर को कंडक्ट करने के लिए प्लांट्स के पास कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी जाइलम मौजूद होता है और फ्लोएम भी मौजूद होता है, यानी कि इसने जो फूड को भी ट्रांसफर करना होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ वाटर करता है। आगे बात करेंगे आयन एंड अपटेक के लिए, इसके पास ये जो ऑर्गन मौजूद है इसके अंदर ऐसी क्या बात है कि ये काम कर पाता है, उसके अंदर ये है कि इसके जो है वो रूट्स हैं, और रूट्स सिर्फ एंकर नहीं करते बल्कि ये वाटर को भी अब्जॉर्ब करते हैं और कंडक्टिंग टिश्यूज को भी कैरी करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखें हम कि अपना काम कैसे करता है, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में दरमियान में बिल्कुल इसके सबसे पहले जाइलम का घेरा होता है, फिर फ्लोएम का घेरा होता है, उसके फौरन बाद जो है वो जाइलम का होता है, जाइलम के फौरन बाद यहाँ पे पेरिसाइकल आ जाता है, एक सेल्स की पतली सी लेयर है, उसके बाद वाली जो सेल की लेयर है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, देन दिस ब्रॉड जोन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, एंड उसके बाद जो है ये एपिडर्मिस आ जाती है, और एपिडर्मिस में से जो है वो कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं, उसका हिस्सा होती हैं जिनको हम जो है वो रूट हेयर्स बोलते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, इसके डेफिनेशन देखते हैं पहले। ट्रांसपिरेशन इज द
रिमूवल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन की वजह से वाटर का रिमूव हो जाना थ्रू द स्ट्रोमेटा, थ्रू द पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, उसके अंदर से रिमूव हो जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ये जो निकलना है पानी का वहां से, ये किसकी मदद से होता है? तो ये दो किस्म के सुराख हैं, एक तो स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स के ऊपर, दूसरी चीज जो होती है इसके अंदर लेंटिसल्स मौजूद होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्टेम, स्टेम वाले पोर्शन के ऊपर जो छोटे छोटे सुराख है वहां पे मौजूद होता है। ये बात अब हम जानते हैं ना, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद नहीं है, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि हर एक को अपना काम जो है वो पूरी प्लांट बॉडी को खुद ही करना पड़ता है। अगर इन्होंने वाटर नहीं का वाटर अपटेक करना है, गैसेस को एक्सचेंज करना है, तो सारा काम उसके लिए इनकी प्लांट की बॉडी के ऊपर जो है वो स्टोमेटा और लेंटिसल्स मौजूद होते हैं, और यही जो है वो इसके लिए वाटर की कंडक्शन और उससे रिमूवल का भी काम करवाते हैं, लेंटिसल्स एंड द स्टोमेटा। जितना वाटर पानी के जितना वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर होता है, तकरीबन उसका 90% हिस्सा, 90% वो ट्रांसपिरेशन की नजर हो जाता है, यानी कि वो ट्रांसपिरेशन के जरिए जो है वो रिमूव हो जाता है। इसके बाद अगर तो ट्रांसपिरेशन होती है स्टोमेटा के जरिए, तो हम इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यानी अगर वो स्टोमेटा के जरिए होती है इसकी ट्रांसपिरेशन, तो हम इसको जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इसमें क्या होता है, अब ये लीफ है एक, और अगर आप लीफ का भी क्रॉस सेक्शन एरिया हम देखें थोड़ा सा, तो इसके यहाँ पे गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, इस तरह से ये सुराख मौजूद होते हैं छोटे छोटे, उसके बाद ये यहाँ इसके सेल्स की अरेंजमेंट, और उसके बाद दरमियान में इसके यहाँ पे जो है वो मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, और दरमियान में इसके भी इस पोर्शन में जाइलम और फ्लोएम का घेरा होता है। अब ये जो मीजोफिल सेल्स इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, ये स्पंज लाइक होते हैं नरम से, और इनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, यानी खाली जगह है, ये कंडक्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम है यहाँ पे मौजूद है, ये पानी को खींच के लाता है यहाँ तक, और यहाँ से इन सुराखों के जरिए, स्ट्रोमेटा के इन सुराखों के जरिए एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है, उसके बाद फ्लोएम के सेल्स में से वापस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस और थ्रू डिफ्यूजन जाइलम के अंदर एंटर होता है, अगेन ट्रांसपिरेशन का जो वो प्रोसेस शुरू होता है। मतलब कि जब नीचे से पानी सॉइल से ऊपर कंडक्ट करके लीव्स तक पहुंचता है, तो वहाँ से उन सुराखों के जरिए जब वाटर बाहर निकलता है फॉर द ट्रांसपिरेशन, तो पीछे जो मीजोफिल सेल्स हैं उनका भी लेवल गिर जाता है, क्योंकि वहाँ से ही आगे बढ़े होते हैं, फिर नीचे से एक पूरी फिल्म स्टार्ट हो जाती है, एक पूरी अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, और सॉइल तक ये दोबारा से नीचे से पानी को खींच के लाते हैं, फिर मीजोफिल सेल भरते हैं, फिर मीजोफिल आगे से जो है फिर ट्रांसफर करते हैं जाइलम में, और जाइलम फिर आगे से जो है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। यानी कि यहाँ पर जाइलम का काम क्या हुआ कि इनकी एयर स्पेसिस के अंदर भी वाटर जो है वो फिल रहता है, जो स्टोमेटा को वो वाटर ट्रांसफर कर देता है, और इस तरह से वो आगे से एयर में इसको रिलीज कर देता है। अब जो स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? ज़्यादातर जो स्ट्रोमेटा है वो दिन के वक्त डे टाइम क्लोज होते हैं, डे टाइम ओपन होते हैं, और नाइट को ये क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? गार्ड सेल्स की एक्शन की वजह से, जो कि उसके साथ अटैच हैं। जब ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, यहाँ पे अगर हम इसका थोड़ा सा ब्रॉड जोन देख लें ऊपर, तो ये इस तरह से होते हैं। जब ये गार्ड सेल्स जो हैं ये सल्यूट से फिल होते हैं, तो इनके अंदर ये एक उभार सा पैदा हो जाता है, कनकेव साइड जो है यहाँ पर टर्जिडिटी हो जाती है इनके सेल्स के अंदर, और ये इस तरह से खुल जाते हैं, और जब ये हाली हो जाते हैं तो ये दोबारा से यूं फ्लस्टर होके बिल्कुल क्लोजिंग इसकी बंद कर देते हैं।
तो यानी कि जब ये सल्यूट से फिल होते हैं गार्ड सेल, तो इस तरह की ओपनिंग और एक ओपनिंग बीच में पोर क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब ये खाली हो जाते हैं उससे सल्यूट से, तो ये दोबारा से इस कंडीशन में आ जाते हैं, दोबारा से ये जो है वो फ्लैसिड हो जाते हैं। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी, इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जब ग्लूकोज जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर इकट्ठी होती है, तो यहाँ पे वाटर भी एंटर हो जाता है ड्यू टू द सल्यूट, ड्यू टू हायर सल्यूट कंसेंट्रेशन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से वाटर गार्ड सेल्स में एंटर हो जाता है और इसकी वजह से इसको टर्जिट कर देता है और ये खुल जाता है। लेकिन रिसर्च से हमें एक और बात समझ में आई है कि ये सारा काम होता है, स्टिमुलस इसको मिलता है लाइट, यानी कि जब रोशनी पड़ती है पत्ते की सरफेस के ऊपर, तो वो क्या करती है कि वो इर्द गिर्द जो मीजोफिल सेल्स थे उनके अंदर पोटेशियम की जो कंसेंट्रेशन थी, पोटेशियम, उस पोटेशियम को गार्ड सेल्स के अंदर जो है ये ट्रांसफर कर देती है। अब उन पोटेशियम आयंस की वजह से गार्ड सेल्स के अंदर सल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई हो जाती है और वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये इसके दरमियान में ये कंकेव पोर्शन क्रिएट हो जाता है और वो पोर ओपन हो जाता है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस शुरू होती है, ग्लूकोज इकट्ठी होना शुरू होती है, तो फिर वहाँ पे जो है वो ग्लूकोज भी आ जाती है और बाकी ये इसको ट्रांसफर करना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी तरह से जब रात का वक्त होता है, रोशनी खत्म होती है, तो पोटेशियम आयंस बिल्कुल उसी तरह से इससे रिलीज हो जाते हैं, वापस रिलीज आउट हो जाते हैं। कौन रिलीज होते हैं? ये पोटेशियम वापस मेसोफिल सेल्स में रिलीज हो जाते हैं और इसकी शक्ल बिल्कुल इस तरह से हो जाती है, फ्लैसिड, और ये पोर्स बंद हो जाते हैं। यानी मज़ीद जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि ग्लूकोज तो बाद में बनती है, उससे पहले ही जब गार्ड सेल्स की ओपनिंग होती है तो उसको पोटेशियम आयंस की वजह से होती है, जो कि पहले से ही मेसोफिल सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं और वो इसकी ओपनिंग जो है वो उसकी उसके ज़िम्मेदार हैं, ग्लूकोज जो है वो बाद में बनना शुरू होती है। तो ये था हमारे पास कि ओपनिंग और क्लोजिंग है जो स्ट्रोमेटा की वो कैसे होती है और किस तरह से ये ज़िम्मेदार बनती है हमारे लिए ट्रांसपिरेशन करवाने की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसपिरेशन के ऊपर इफेक्ट करती हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को तेज़ करवाएंगे, यानी रिमूवल वाटर, एक्स्ट्रा वाटर की रिमूवल को, इस प्रोसेस को तेज़ करवा देंगे, और कौन से हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे जिसकी वजह से ये स्लो डाउन कर जाएगी। पहला फैक्टर हम देख चुके हैं, दैट इज़ अ लाइट, कि लाइट की वजह से, ये लाइट एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाता है, और स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ही जो है वो ट्रांसपिरेशन की जिम्मेदार होती है, वही इसकी ट्रांसपिरेशन करवाती है। हाई इंटेंसिटी के अंदर, यानी कि लाइट हाई होगी तो ट्रांसपिरेशन भी हाई है, और अगर इसकी इंटेंसिटी लो है तो ट्रांसपिरेशन भी लो होगी। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो ट्रांसपिरेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये क्या करता है, एयर की जो ह्यूमिडिटी है, यानी हवा में जो नमी होती है, इसकी वजह से वो कम हो जाती है। एक तो ये होता है, इसकी वजह जब हवा में नमी कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर जाता है। दूसरी बात ये होती है कि रेट ऑफ एयर ह्यूमिडिटी के साथ जो है काइनेटिक एनर्जी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की है, यानी हीट जो है वो वाटर के काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी जो है उसके वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया को जल्दी से जल्दी छोड़ के जो है जाना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो इंक्रीज़ कर देता है। कैसे? क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन का रेट हाई कर जाएगा, और जब इवेपोरेशन हाई होगी तो पीछे से फिर वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो है वो उनकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और ट्रांसपिरेशन भी ऑब्वियसली वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी इंक्रीज ट्रांसपिरेशन भी हम जो है वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। प्लांट जो है, जैसे हर 10 सेल्सियस के इंक्रीज, जितना टेम्परेचर में 10 सेल्सियस का इंक्रीज होता है, तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो डबल कर जाता है, पहले से वो मज़ीद डबल, और मज़ीद 10 सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर बार तो वो पहले से और डबल कर जाएगी। और जब टेम्परेचर पहुँचता है तकरीबन 40 to 45 तक, तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज कर जाते हैं, क्योंकि अब इतना हाई टेम्परेचर हो गया है कि वाटर को डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो वो फिर क्लोज कर जाते हैं स्टोमेटा, और वो ज़्यादा वाटर को बाहर नहीं निकलने देते, वो उसको बचा के रखते हैं कि अगर टेम्परेचर ऐसे ही रहा तो फिर उनको खुद इस वाटर की जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये भी ये एक पॉइंट है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़, ह्यूमिडिटी।
अगर बाहर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हाई है अगर ह्यूमिडिटी, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो लो कर जाएगी। पहले ही हवा में वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, नमी मौजूद है, तो मज़ीद इवेपोरेशन नहीं होगी, और जब मज़ीद इवेपोरेशन नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन ऑलरेडी लो कर जाएगी, और अगर ह्यूमिडिटी जो है वो लो होगी, जो ट्रांसपिरेशन है वो हाई कर जाएगी, क्योंकि फिर इवेपोरेशन होगी, जगह बनेगी वाटर मॉलिक्यूल्स का। पहली हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो मज़ीद उसके इर्द गिर्द इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर पहले ही कम है तो फिर इवेपोरेशन होगी और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही लीव करके जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो भी तेज़ हो जाएगी। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल ह्यूमन के स्वेटिंग से रिलेट करता है। जो फैक्टर्स हमारे ऊपर रिलेट करते हैं कि जैसे हमारी स्वेटिंग जो है वो तेज़ होती है या कम होती है, बिल्कुल इसी तरह से इनके भी। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी हमारे अंदर भी, जब टेम्परेचर हाई होता है तो स्वेटिंग हाई हो जाती है। तो इसी तरह से अगर ह्यूमिडिटी बाहर मतलब नमी है तो हमें स्वेटिंग का प्रोसेस भी हमारा स्लो कर जाता है, और बाहर अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो हमें स्वेटिंग का प्रोसेस भी जो है वो तेज़ कर जाता है। तो ये भी जो है एक फैक्टर है। फिर उसके बाद जो है दूसरी, विंड की मूवमेंट, दैट इज द हवा की हरकत। अब अगर हवा चल रही होगी तो इवेपोरेशन, यानी विंड की जो मूवमेंट है, अगर हवा चल रही है तो इवेपोरेशन भी यानी तेज़ हो रही है, यानी कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो सरफेस के ऊपर मौजूद हैं लीफ की, उसको उड़ा के ले जाएंगे, उसको इवेपोरेट कर देंगे। लेकिन अगर जो विंड की मूवमेंट है वो साकिन है, हवा नहीं चल रही, तो इस तरह से फिर क्या होगा कि इवेपोरेशन भी नहीं होगी, वो रिड्यूस कर जाएगी, और ट्रांसपिरेशन भी ऑब्वियसली रिड्यूस कर जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ है, दैट इज़ द सरफेस एरिया। लीफ की सरफेस जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, उतना ज़्यादा हाई ट्रांसपिरेशन का रेट होगा। लीफ ही जो है वो ट्रांसपिरेशन के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। जितना ज़्यादा लीफ का सरफेस बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रोमेटा होंगे, यानी कि मोर पोर्स एंड वो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप आउट, निकलने के लिए ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को जगह मिलेगी। तो यानी कि सरफेस एरिया भी मैटर करता है, कि जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जगह ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा जो है ये निकलेगा। अब हमने यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर देखे। पहला फैक्टर हमने देखा था कि लाइट, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि हाई लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करती है। क्यों? वो स्टोमेटा की ओपनिंग पर इफेक्ट करती है। लाइट स्टिमुलस प्रोवाइड करती है स्टोमेटा को, जैसे ही स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होती है लाइट की वजह से तो ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर अदर फैक्टर्स जो हम पढ़े थे, दैट इज फर्स्ट जो है वो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर जो है वो उसकी वजह से जो एयर की ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, और उसके साथ साथ जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उनके मॉलिक्यूल्स की वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एस्केप आउट होना शुरू हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन तेज़ हो जाती है। फिर हर 10 सेल्सियस के इंक्रीज में टेम्परेचर में डबल हो जाती है पहले से ट्रांसपिरेशन, लेकिन 40 or 45 जब इतना टेम्परेचर पहुँचता है तो वो स्टोमेटा बंद कर जाते हैं एंड ट्रांसपिरेशन रुक जाती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो जितना बाहर जो है वो नमी का रेट ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगी क्योंकि वेपोरेशन नहीं होगी, और जितना बाहर नमी हवा में कम होगी ट्रांसपिरेशन जो है वो हाई हो जाएगी। विंड की मूवमेंट, अगर हवा चल रही होगी तो इवेपोरेशन भी होगी क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी उड़ा के ले जाएगी, तो ट्रांसपिरेशन हाई होगी। लेकिन अगर विंड साकिन है, हवा नहीं चल रही, तो इवेपोरेशन भी फिर नहीं होगी और ट्रांसपिरेशन भी रुक जाएगी। सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा यानी जगह ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, और जितना सरफेस एरिया कम है उतनी ट्रांसपिरेशन भी कम होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके साथ हम देख लेते हैं ट्रांसपिरेशन के सिग्निफिकेंसेस। ट्रांसपिरेशन के फायदे, ट्रांसपिरेशन जो है ना, इसको कहा जाता है कि नेसेसरी इवल, नेसेसरी इवल, मतलब ये एक ऐसा इवल है जो कि ज़रूरी भी है। पहले बात कर लेते हैं इसके के इसका इसके बारे में, ये क्यों कहा गया है कि ये इवल है, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है ना ये नेसेसरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो ड्राउट की कंडीशन आ जाती है, पानी की कमी, लॉस ऑफ वाटर, तो पानी की जो है वो कमी हो जाती है हमारे पास, प्लांट के पास ऑलरेडी,
और उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी हो रही है तो प्लांट को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वेट भी कर सकता है, मुरझा सकता है, मर जाता है। फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी तरफ ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्यों है कि ये एक ट्रांसपिरेशन नेसेसरी इसलिए है कि ये एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कर देता है। ट्रांसपिरेशन पुल कैसे क्रिएट होता है? लीव्स के स्टमेटा, इससे जो है ये एयर आगे। अब जब लीव स्टमेटा में पानी, यहाँ स्टमेटा से पानी बाहर निकलता है लीव्स, अब इसके अंदर बात करें, इसके पीछे है जाइलम, फिर पीछे है मीजोफिल और उसके पीछे जो है वो पूरी प्लांट की बॉडी रूट्स तक, यानी इन शॉर्ट रूट्स की बात कर ले तो यहाँ से कॉन्टेक्ट चलता है। रूट्स क्या करते हैं, वो एक उस ट्रांसमिशन पूल के जरिए ज़मीन से नया पानी खींचेगा। उस नए पानी के अंदर साल्ट्स भी होंगे और मिनरल्स भी होंगे। वो पानी यहाँ से फिर ऊपर ट्रांसफर करता करता, ट्रांसपोर्ट करता करता दोबारा यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ से जब वो एस्केप आउट कर जाएगा, फिर नया वाटर नीचे से उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ट्रांसपिरेशन एक और चीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि वाटर को नमकियात और साल्ट्स भी जो है वो प्रोवाइड करता है, जो उसको ज़मीन से मिलते हैं। अगर ये पुल क्रिएट नहीं होगा, ये फोर्स क्रिएट नहीं होगी, तो उसके लिए जो न्यू उसको हासिल करना वो भी मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि प्लांट की सरफेस में से जो गैसियस एक्सचेंज है उसको भी अलो करता है उन्हीं जो है वो पोर्स के थ्रू। तो इस तरह से जो है ये हमारे लिए प्लांट के लिए जो है ये एक ज़रूरी भी है, लेकिन अगर बहुत एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी चीज़ की जो है वो ना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं ना ही उसकी कमी, तो अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा भी हो जाती है तो भी ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। फिर उसे पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन जो है वो इससे हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था, यहाँ द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। यहाँ तक जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि ये पढ़ेंगे हम कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड के। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।